क्या पेपर पेड़ से नहीं बनता? और कैसे दुकानदार हमें उल्लू बनाते हैं? और ये स्लेट पेंसिल किस चीज से बनती है? और दुनिया की पहली साइकिल कैसी दिखती थी? उसका आविष्कार कब किया गया था? और क्या ब्लू व्हेल हमें जिंदा निगल सकती है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10, आपने तो सुना ही होगा कि पेपर पेड़ से बनते हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। पेपर पेड़ से नहीं, पेपर पेड़ की लकड़ी में जो फाइबर होता है उससे बनते हैं। लकड़ी के रेशों से जो सेलुलस निकलता है उससे पेपर बनाया जाता है। नंबर 9, आपने सिक्कों पर तो आमतौर पर ये कट्स तो देखे ही होंगे, ये किस लिए होते हैं? दरअसल कुछ लोग सिक्कों के बाहर के हिस्से को काट लेते थे और उनसे नए सिक्के बना लेते थे, जिससे किसी को भी पता नहीं चलता था। लेकिन अब इन कट्स की वजह से सबको पता चल जाता है कि सिक्के को काटा गया है या नहीं। नंबर 8, लॉलीपॉप खाते वक्त आपने स्टिक पर यह होल तो देखा ही होगा, यह किस लिए दिया होता है? यह कोई मैन्युफैक्चरिंग फोर्ट नहीं है और ना ही इसे सीटी बजाने के लिए दिया जाता है। यह इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी जो चॉकलेट है इससे चिपकी रहे और नीचे ना गिरे। नंबर 7, और इस बच्चे की एक गलती से इसने आइसक्रीम का आविष्कार कर दिया। दरअसल 1905 में फ्रैंक नाम के इस 11 साल के बच्चे ने रात को सोडा पाउडर और पानी को कप में रखकर छोड़ दिया था और रात को ठंड होने की वजह से वह मिक्सर जम गया। इस तरह से इस बच्चे ने गलती से आइसक्रीम का आविष्कार कर दिया और इससे करोड़ों रुपए कमाए। नंबर 6, ये सुनने में आपको अजीब लगेगा कि कोइन नैनीजा सेकेंड की गाय पानी के बिस्तर पर सोती थी। हाँ दोस्तों, कोइन को लगता था कि इससे गायों को अच्छा लगता है। नंबर 5, इस फैक्ट को सुनने के बाद आपका बाजार के सेब से भरोसा ही उठ जाएगा। जब आप बाजार जाते हैं तो आप सुनते ही होंगे कि ताजा सेब ले लो, ताजा सेब ले लो, लेकिन वो सेब असल में ताजा होते ही नहीं। आमतौर पर सेब अगस्त और नवंबर के महीने में तोड़े जाते हैं, बाद में इन्हें मोम से कवर किया जाता है, उसके बाद उन्हें गर्म हवा में सुखाया जाता है और बाद में उन्हें कोल्ड स्टोरेज में भेजा जाता है और लास्ट में जाकर जब वो सेब आप तक पहुँचते हैं तब तक वो कम से कम 12 महीने पुराने हो चुके होते हैं। नंबर 4, स्कूल में तो सबने इस स्लेट पेंसिल का यूज तो किया ही होगा और इसे खाया भी होगा। मुझे कमेंट में बताना कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो इसे दुधिया चौक कहते हैं, लेकिन ये स्लेट पेंसिल बनती कैसे है? इस स्लेट पेंसिल को पुराने पक्के मिट्टी के पत्थरों को काट कर बनाया जाता है। नंबर 3, नॉर्वे में एक अंडरग्राउंड तिजोरी बनी हुई है जिसमें दुनिया भर की फसलों के बीज रखे हुए हैं, ताकि अगर कभी दुनिया की सारी फसलें किसी कारणवश खराब हो जाएं, तो यहां से फसलों के बीज लिए जा सकते हैं। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली साइकिल में पैडल नहीं थी? हाँ दोस्तों, इसे बिना पैडल के बनाया गया था और इस साइकिल को 1817 में बैरन कार्ल ड्रेस ने बनाया था, जो कि कुछ इस प्रकार दिखती थी। नंबर 1, एक ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होने के बावजूद भी मनुष्य को नहीं निगल सकती, क्योंकि उसके गले का साइज एक फुटबॉल जितना ही होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिरामिड के अंदर क्या है और इसका निर्माण क्यों किया गया था? दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।